हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स में। और हर बार की तरह फिर से मैं आपको बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार से टॉपिक पे वीडियो बना करके दिखाने लेके जा रहा। तो व्यूवर्स, इसके पहले हम आगे बढ़ें तो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो का टाइटल भी बड़ा शानदार है, मुजफ्फरपुर में भी पटना की तरह बहुत ही शानदार वर्ल्ड क्लास मरीन ड्राइव बनने जा रहा है। ये बनने का अंदाजा है, ये मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे सिकंदरपुर में बनने जा रहा है। इसके तहत क्या क्या होगा वही मैं आपको बताने लेके जा रहा हूँ। तो खबर यही है कि मरीन ड्राइव जैसी फीलिंग देगा मुजफ्फरपुर में ये घाट। तो मैं बता दूँ, पर्यटन के दृष्टिकोण से मुजफ्फरपुर का यह घाट शहरवासियों के घूमने के लिए अच्छी जगह के तौर पर विकसित होने जा रहा है। मुजफ्फरपुर के सीढ़ी घाट के बगल में बन रहा यह घाट शहर की बूढ़ी गंडक नदी के किनारे पर्यटन को विकसित करेगा और बिहार के राजधानी पटना की तरह ये भी जो है मुजफ्फरपुर वासियों को मरीन ड्राइव का आनंद देगा। तो केंद्र सरकार की योजना नमामि गंगे परियोजना के तहत मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर घाट के पास रिवर फ्रंट विकसित हो रहा है, जिसका काम बहुत तेजी से हो रहा है। इस पर लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से 50-50 मीटर के 3 घाटों का निर्माण हो रहा है और योजना के तहत रिवर फ्रंट को भी विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे निर्माण के पहले चरण में घाट और जन सुविधाओं का निर्माण हो रहा है। पर्यटन की दृष्टिकोण से मुजफ्फरपुर का यह घाट शहरवासियों के घूमने के लिए एक अच्छी जगह के तौर पर विकसित हो रहा है। और ये घाट जो है जिसका नाम है सिकंदरपुर घाट, ये बूढ़ी गंडक नदी के किनारे पर्यटन को भी विकसित करेगा। इस कार्य में लगे बुडको के अनुसार इस परियोजना के तहत 2 चरणों में निर्माण कार्य होना है, जिसमें मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक के घाटों का पटना की तर्ज पर निर्माण कराया जाएगा। घाटों पर पेव्ड ब्लॉक लगाए जाएंगे, साथ ही साथ शौचालय और चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था होगी। लैंडस्केप और प्लांटेशन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण भी होगा। पार्क और पार्किंग स्थल भी बनेगा, जबकि निर्माणाधीन घाट पर हाई मास्ट भी लगेगा। घाटों की सुरक्षा के लिए नदी के किनारों को भी मजबूत करने का कार्य चल रहा है। आकर्षक होंगे सभी घाट, जहां पे पूरे शहर के लोग घूमने आएंगे। और यहां पे कैफेटेरिया, अपर लोअर प्रोमिनॉड, वॉकिंग स्ट्रीट नदी के किनारे, घाटों के किनारे किनारे की व्यवस्था होगी और ये घाट जल्दी ही बनकर के तैयार हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि अगले 2 सालों में ये पूरा का पूरा आप मुजफ्फरपुर में सिकंदरपुर के पास पहुंच करके बूढ़ी गंडक के किनारे पटना के मरीन ड्राइव की तरह का मरीन ड्राइव का लुत्फ यहाँ भी उठा पाएंगे। यही खबर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे, ताकि हम यूँ ही ऐसे ही आपको नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बना करके दिखाते रहें।